हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस फार्मिंग सिमुलेटर 20 के एक और गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। हम लोग खेल रहे हैं जी यहाँ पे एनिमल्स फार्म फार्मिंग सिमुलेटर 20 का। और यहाँ पे हमने पिछले गेम प्ले में भी तकरीबन जहाँ से हमने लास्ट गेम प्ले क्विट किया था वहीं से हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पिछले गेम प्ले में हम बेसिकली यहाँ पे वीट हार्वेस्ट कर रहे थे और हमारा प्लान था कि स्ट्रा को हमने इन द फॉर्म ऑफ बेल्स स्टोर करना है और जो एक्सेस स्ट्रा हुआ है जाफी स्ट्रा हुआ उसकी हमने बेल्स बना के जो है वो सेल करनी है। अच्छा जी, तो ये तो काम मतलब के साथ ही साथ चलता रहेगा। सो मैं यहाँ पे आज के गेम प्ले में मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हुआ तो हम लोग अपना ट्रैक्टर जो है ये वाला अपग्रेड कर लेंगे। बिकॉज़ ये ट्रैक्टर हम काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इट्स टाइम कि हम इसको जो है वो अपग्रेड कर लें। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये टिप्पर जो है वो भर जाएगा इसके बाद। यस मोस्ट लाइकली ये पूरे का पूरा टिप्पर जो है वो भर जाएगा इससे। और वीट का एज आई मेंशन प्रीवियस गेम प्ले में मैं ये बात कर रहा था कि वीट जो है ना वो वैल्यू फॉर मनी क्रॉप है सबसे ज़्यादा। तो ये जी भर गया हमारा टिप्पर। सो आप लोग भी कोशिश करना कभी वीट प्लांट करने की और देखना कि कितना मतलब कि आपको बेनिफिट मिलता है, वैल्यू कितनी मिलती है आपको एक फील्ड से। क्या आप सोयाबीन से इतना पैसा कमा सकते हो या नहीं जितना कि आप जो है वो वीट से कमा सकते हो। सो अभी हम इसको लेके चलते हैं। प्राइस मेरे ख्याल से ड्रेक्स बायोफ्लेक्स के ऊपर सबसे हाईएस्ट चल रहा है 717। तो मुझे फेयर ही लगी प्राइस। बाकी आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये प्राइस फेयर है या नहीं। मुझे तो तकरीबन ठीक ठाक प्राइस लगी है। सो मेरे ख्याल से अभी हमें ये वीट जो है वो सेल कर देनी चाहिए और अभी मैं ये सेल करने जा रहा हूँ। लेट्स सी, प्रोबेबली 22K का ये हमारा होगा टिपर और इसके बाद हमारे प्रोबेबली जो पैसे होने वाले हैं वो हो जाएंगे तकरीबन 157 और 158 समथिंग। तो लेट्स सी। सो ये वाला जो ट्रैक्टर बिक रहा है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाला जो ट्रैक्टर कितने का सेल हो रहा है। सो ये हमारा हो रहा है 132 का। काफ़ी सस्ता जो है वो ये वाला ट्रैक्टर सेल हो रहा है। सो हम इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो लूज़ करने जा रहे हैं बट इट इज़ गेम और मेरे ख्याल से ऐसे ही जो है वो गेम चलाए। तो आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर दी थी। सो ये 147 जो है वो बन गए हैं पैसे हमारे। सो इतने ही बनते थे, मैंने 10K एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दिया। मेरा मैथ बेसिकली थोड़ा सा वीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा कि इसको हम लोग जो है वो मेरा प्लान तो वैसे टू बी ऑनेस्ट सच्ची में बन रहा है कि मैं जॉन डियर 8R बाय कर लूँ इफ पॉसिबल। सो पॉसिबल है या नहीं इसको बाय करना तो ये अभी हम चेक करते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पे जो है वो अपना टिपर पार्क कर दूँ एक दफ़ा ताकि ये हार्वेस्टर भरती है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम करते हैं जी यहाँ पे स्विच ट्रैक्टर में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो न्यू अपडेट में ट्रैक्टर आया था वो भी मैंने जो है वो सेल कर दिया है क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट वो कोई इतना यूज़फुल ट्रैक्टर नहीं लगा था। और यहाँ पे हमने बेल्स भी बनानी है और अभी यही एक ट्रैक्टर रह गया हमारे पास। सो इधर मिल्क के ऊपर वंस अगेन ग्रेट डिमांड आई हुई है गाइस। सो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिल्क हमारे पास इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। सो काफ़ी कम मिल्क है। सो ये स्टायर वाला ट्रैक्टर मैंने नहीं बेचा था हालांकि ये भी हमने रिसेंटली जो है वो परचेज़ किया था। सो लेकिन ये है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा ट्रैक्टर होना चाहिए सो इसलिए इसको मैंने नहीं बेचा। ये ठीक ठाक है। वो जो अपडेट वाला ट्रैक्टर था उसकी टर्निंग रेडियस जो है वो मतलब उसको इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं बनाता बिलखसूस जिस लेवल पे हम हैं जिस स्टेज पे हम हैं। सो इस स्टेज पे तो बिल्कुल भी जो है वो कोई इतना ख़ास यूज़फुल नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो है वो इससे मिल्क फिल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि कितना मिल्क हमारे पास है। तकरीबन मेरे ख्याल से 7000 बिल्कुल इतना ही है। सो ये बड़ी मुश्किल से एक टैंक बनता है। और अगर हम अगेन प्राइसेस चेक करें इसकी सो ये हमें ड्रेक्स बायोफ्लेक्स के ऊपर ही हाईएस्ट प्राइस जो है वो मिल रही है मिल्क की। सो उधर ही हम इसको सेल कराते हैं। सो
मे बी 10 या समथिंग हमें इतने पैसे जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी हम देखते हैं कि मेरे ख्याल से हमें 8 और लेने के लिए पैसे चाहिए 380, और फ़िलहाल है हमारे पास 280। सो मतलब हमें 100 की और चाहिए। सो लग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है ये, इतने पैसे तो शायद 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 मुश्किल से ही है हो पाए तो, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे हम जैसे तैसे करके। आज के गेम प्ले में हमने बाय करके रहना है ट्रैक्टर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अगर ये ट्रैक्टर भी बेचना पड़ा तो मैं बेच डालूँगा। अबे ये क्या है ये क्या सिस्टम था भाई। लेट्स सी, अभी ये 1 लाख से कम होने शुरू हो गए हैं, मतलब जो रिमेनिंग हमने 1 लाख जुटाना है नए ट्रैक्टर के लिए, सो उसमें माइनस होना शुरू हो गया। सो ये अभी 12K माइनस हो गए उसमें से, ठीक है। सो 88 रह गए, सो वो भी हम कर ही लेंगे आज के गेम प्ले में जैसे तैसे करके, कोई बात नहीं। अभी हमारी हार्वेस्टर जो है वो काम कर रही है, तो इतनी कोई इसमें टेंशन वाली बात है नहीं। मेरे ख्याल से शायद हमें यहाँ पे टिप्पर जो है वो लाना पड़े वापस, क्योंकि हमने अगर कुछ क्रॉप्स वगैरह सेल करनी है तो टिप्पर हमें चाहिए होगा। सो टिप्पर भी मेरे ख्याल से अभी हमें अपग्रेड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि टिप्पर मेरे ख्याल से अभी हमें पड़ रहा है छोटा। सो मैं जो सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि अभी टिप्पर की बजाय हम लोग जो है वो ऑगर वैगन ही बाय करेंगे। वो थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको जो है वो ज़ाहिर है उसकी कैपेसिटी जो मेरे ख्याल से सबसे बड़े वाला टिप्पर है उससे भी ज़्यादा है। अगर हम टॉप ऑफ द लाइन ऑगर वैगन की बात करें तो जो उसकी कैपेसिटी है वो जो ट्रक के पीछे हम टिप्पर डालते हैं उससे भी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है। सो देखा जाए तो टेक्निकली इट मेक्स मोर सेंस कि हम लोग जो है वो वाली ऑगर वैगन ही बाय कर लें बजाय इसके कि हम टिप्पर के ऊपर पैसे ज़ाया करते थे। सो इधर से हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं, शॉर्टकट रास्ते से हम जाते हैं जी जो फील्ड है जिसके ऊपर हम हार्वेस्ट ड्राइव कर रहे हैं अपने। तो बेसिकली उसके ऊपर हमने हेल्पर जो है वो हायर किया हुआ है, सो मेरे ख्याल से शायद भरने वाली हो वो भी। सो लेट्स सी क्या कर रहा है ये हेल्पर, असल में बेसिकली है ही बहुत स्लो ना, और मेरी ड्राइविंग भी यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक किस्म की हो रही है। बहुत शार्प टर्न ले रहा हूँ मैं भी, हालांकि ट्रैक्टर को बेचारा इतना है नहीं शार्प टर्न लेने वाला। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं और सीधे भगा के ले जाते हैं। ओके सो ये भर भी चुकी है, और मैं सोच रहा था कि शायद अभी भरी भी ना हो, तो इसको अभी हम कनेक्ट करते हैं जी इसके साथ और हार्वेस्टर खाली करते हैं। छोटा ट्रैक्टर है, टिप्पर बड़ा है, जुल्म हो रहा है बेचारे के साथ, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़ा जॉनडियर आ गया तो फिर उसको किसने पूछना है, फिर भाई उसके पीछे हम लोग जो है वो टिप्पर टिप्पर डाला करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बीकन उसने ऑन कर रखे हैं यहाँ पे। चलो जी ये हम इसको कर लेते हैं जी एम्प्टी, और इसके बाद हम हार्वेस्ट जो है वो खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो है हेल्पर। तो भाई अभी फील्ड तो काफ़ी पड़ा हुआ है, तो मतलब हो सकता है हमारी 2 टिप्पर्स मज़ीद निकल आएँ जितना ये फील्ड पड़ा हुआ है इसमें से। कम अज़ कम 1.5 टिप्पर तो पड़ा है ना, 1.5 टिप्पर तो हो ही जाएगा, बट मे भी ज़्यादा भी हो सकता है। चलो ये हो चुका है जी खाली, और ये देखो अभी मतलब टिप्पर बड़ा भी नहीं है, और अभी से ये ट्रैक्टर जो है ना इसकी बस हो गई है। देखो कितनी मुश्किल से इसको जो है वो खींच के साइड पे कर रहा है। चल भाई हेल्पर भैया, ओए रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखो मतलब आधा तो वो हेडर जो है वैसे ज़ाया कर रहा है ना, मतलब अच्छा खासा हेडर उसने साइड पे ओवरलैप किया हुआ है, हालांकि ये सारा मतलब अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। तो मैं बड़े फील्ड को हार्वेस्ट करने का प्रॉब्लम यही है कि हार्वेस्टर दे आर वेरी स्लो, और एक दफ़ा फिर आप बस ऐसे मतलब इसको सीधा करके बस बैठ जाते हो, सो और कुछ काम करने को इतना होता नहीं है। सो अभी क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से स्पेंड करना है, सो हम लोग मीनवाइल बात कर लेते हैं फार्मिंग सिमुलेटर 23 की, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत से लोग, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ
सेपरेट, तो लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस तरह से, तो शॉर्ट किया करो। सो अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सो मेरे ख्याल से गेम प्ले में हम इस तरह की बातें जो है वो कर सकते हैं। सो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने दिखाया कि डेवलपर्स लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं कि कब आने वाली है नेक्स्ट मोबाइल फार्मिंग सिमुलेटर गेम। सो मैंने उस वीडियो के आखिर में बोला था कि बातें बहुत सी हैं करने वाली, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि वीडियो जो है वो मुझे शॉर्ट रखनी है। सो आज मैंने सोचा कि अभी हम इसके ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। सो बात यह है कि मैंने इसी के ऊपर बात करनी थी कि हम एटलीस्ट कब तक जो है वो न्यू मोबाइल फार्मिंग सिमुलेटर गेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो उस वीडियो में भी मेरे ख्याल से मैंने एक जनरल रूल ऑफ थंब दे दिया था, मतलब एक गेस दे दिया था अपना कि देखो भाई, अगर हम ये मान के चलते हैं कि गेम्स कॉम के ऊपर गेम का ट्रेलर, टीज़र ट्रेलर आ जाता है, वैसे तो इसके कोई मतलब इतने ज़्यादा भी चांसेस नहीं है, मुझे मेरा एक गैस है कि शायद गेम्स कॉम के ऊपर, क्योंकि बहुत सी कंपनियां गेम्स कॉम के ऊपर गेम्स जो है वो अनाउंस करती हैं, और क्योंकि पिछली दफ़ा फार्मिंग सिमुलेटर 20 निंटेंडो स्विच के लिए भी आनी थी, सो उन्होंने जो है वो फिर गेम्स कॉम के ऊपर एक बड़ी एंट्री मारी फार्मिंग सिमुलेटर 20 की। सो लोगों का ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींचा। सो मुझे लगता है कि इस दफ़ा भी शायद कुछ इस तरह का हो और हमें गेम्स कॉम के ऊपर जो है वो न्यूज़ को मिले अच्छी। सो गेम्स कॉम शुरू हो रहा है 24 अगस्त को और ये ख़त्म होगा 28 अगस्त को। सो ये 4 दिन गेम्स कॉम के जो है ना, इसमें आपको बड़ी न्यूज़ जो है वो मिलेंगी गेम्स कॉम के ऊपर। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो भी गेम्स रिलीज़ हों क्या मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, या फिर अपने मतलब के जो हमारे चैनल के मतलब की गेम्स हैं उसी के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाऊं, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा, सो 24 अगस्त से 25 अगस्त तक जो है वो गेम्स कॉम चलेगा, और अगर हम देखें मतलब ये सपोज करके चलें कि गेम्स कॉम के ऊपर फार्मिंग सिमुलेटर 20 जो है वो 23 या नेक्स्ट मोबाइल फार्मिंग सिमुलेटर का अगर वो टीज़र अनाउंस करते हैं, सो पढ़ा लिखा सा गैस है कि एटलीस्ट फिर उसके बाद जो है वो नवंबर तक गेम आने के चांसेस होंगे, क्योंकि नवंबर या फिर अक्टूबर में, क्योंकि यूजुअली जब भी कोई कंपनी, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि एक कंपनी जो है वो एक ट्रेलर अनाउंस कर दे और उसके एक मंथ बाद ही गेम रिलीज़ कर दे। सो ऐसा कम ही सिनेरियोज़ में होता है, वैसे लास्ट टाइम ऐसे हुआ था फार्मिंग सिमुलेटर 18 के साथ, एक मंथ पहले उन्होंने ट्रेलर अनाउंस किया था और एक मंथ बाद जो है वो गेम ही निकाल के उन्होंने साइड पर की थी, लेकिन ऐसा रेयर होता है। सो अगर हम ये मान के चलते हैं कि गेम्स कॉम के ऊपर हमें शायद कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो देखने को मिले, सो फिर मेरे ख्याल से गेम रिलीज़ होगी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, इन 3 मंथ में कहीं पे भी गेम जो है वो रिलीज़ हो सकती है। डिपेंड्स ऑन के डेवलपर्स कितना उस गेम पे काम कर रहे हैं, अगर गेम लेट आएगी तो इसका मतलब उसमें काम ज़्यादा हुआ होगा, उसमें फीचर ज़्यादा होंगे शायद, या फिर हो सकता है मल्टीप्लेयर ही ऐड कर दिया गया हो, और अगर गेम जल्दी आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि गेम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, सो या उसमें चीज़ें कम डाली गई हैं। सो जितनी लेट गेम आएगी सो हमारा उसमें भी तकरीबन फ़ायदा ही है अगर एक तरह से देखा जाए। सो लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि गेम्स कॉम के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आती, सो फिर यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी वक्त रैंडम टाइम पे जो है वो हमें टीज़र ट्रेलर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मोबाइल फार्मिंग सिमुलेटर गेम का। फिर ये है कि कोई इवेंट तो एटलीस्ट नहीं बचेगा जहाँ पे हम ये सोच के चलेंगे यार यहाँ पे डेवलपर्स को टीज़र निकालने का जो है वो फ़ायदा होगा अगले मोबाइल फार्मिंग सिमुलेटर गेम का, तो फिर हम वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको अभी होगा। अगर गेम्स कॉम के दौरान वो लोग कोई ट्रेलर निकालते हैं तो उनकी गेम जो है वो हाइप क्रिएट करेगी, सो क्योंकि गेम्स कॉम पे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं गेम, वीडियो गेम्स के ऊपर। सो अगर ये उस वक्त अनाउंस करते हैं नई मोबाइल फार्मिंग सिमुलेटर गेम तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बाद में हमें रैंडम से कहीं पे भी अनाउंस कर देंगे तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है लोग फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अभी देखो इलेक्शन होते हैं सपोज़ किसी मुल्क में, तो सभी लोग जो है वो उनकी अटेंशन जो है वो इलेक्शंस की तरफ होती है, और बाद में अगर मतलब कहीं पे भी कोई एक आध सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहा है तो उसको कोई देखता भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब बात करने का मकसद ये है, पॉलिटिकल सा इन्वायरमेंट चल रहा है, तो मिसाल भी मैंने पॉलिटिकली दी है,
तो बात करने का मकसद ये है कि अब गेम्स कॉम एक पूरा इवेंट है, वहाँ पे लोग फिज़िकली भी जाते हैं, ऑनलाइन तो लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। सो वहाँ पे अगर कोई बात करता है गेम की, अपनी गेम लाता है, तो सबका ध्यान जो है वो इसके ऊपर जाता है, उस गेम के ऊपर जाता है। लेकिन बाद में अगर वो रैंडमली अगर करते हैं अनाउंस, तो फिर जो तो हार्डकोर फैन होंगे उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन एक जनरल पब्लिक जो है वो शायद उस तरह से उनको ना पता चल पाए। तो इसलिए मेरा ये बहुत ज़्यादा जो है वो दिल से मैं मान रहा हूँ कि हमें गेम्स कॉम के ऊपर न्यूज़ मिले। लेकिन सपोज़ अगर गेम्स कॉम के ऊपर नहीं मिलती, तो फिर वही बात होगी कि हमें ये शायद कहीं भी रैंडमली जो है वो अनाउंस कर देंगे, और फिर मैं ये कोई गेस नहीं कर सकता कि गेम जो है वो कब रिलीज़ होगी। फिर मेरी उम्मीद यही है कि शायद अगले साल ही हमें गेम जो है वो देखने को मिले। इट कुड बी अप्रैल मार्च, अगले साल के मार्च अप्रैल के मंथ में जो है वो हो सकता है फिर वो शायद गेम लॉन्च करें, रिलीज़ करें। सो इतना फिर एटलीस्ट टाइम फ्रेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर गेम कॉम पे ऊपर जो है वो गेम की अनाउंसमेंट नहीं होती। सो ये कुछ बातें थी जो कि मैं आपसे ज़्यादा डिटेल से जो है वो शेयर करना चाहता था। सो गुड थिंग कि अभी यहाँ पर हमारे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं शेयर कर लूँ। और अभी हम जो है वो अपने गेम प्ले को आगे बढ़ाते हैं, हार्वेस्ट तो नहीं करते रेडा। सो अभी ये अगर टिपर भर गया तो ठीक है, अदरवाइज जो भी हुआ जितना भी हुआ सो इसको हम लोग जो है वो 80% तो हो गया वैसे तो। ये बड़ा मसला है यार हमारा, है ना, हार्वेस्टर का पाइप छोटा है और हेडर आगे से जो बड़ा। सो ये बड़ा मसला है, पाइप छोटा है, हेडर बड़ा है, बड़ा केयरफुली जो है वो ट्रैक्टर को ड्राइव करना पड़ता है। सो अभी हम देखते हैं कि कितनी ये टिपर जो है वो फुल होता है, अगर फुल हो गया तो ठीक है, ना हुआ फुल तो हम जो भी जितनी भी इसमें आई अभी वीट, तो इसको हम सेल करके चलते हैं अपनी साइलोस की तरफ, और उसमें जो क्रॉप्स हमारे पास हुई वो सेल करते हैं और देखते हैं कि हम कितने पैसे बना पाते हैं, इतने पैसे बना पाएंगे कि हम अपने लिए बड़ा जॉन डीयर का ट्रैक्टर जो है वो बाय कर पाएँ। तो ये तकरीबन भर ही गया है टिपर, सो इसको अभी हम लेके चलते हैं ड्रेक्स बायोफ्लेक्स के ऊपर, यहाँ पे हमें सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है वो मिल रही है। सो टिपर की भरने से ट्रैक्टर की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो आ गया आपके सामने ही है। मैं तो पहले ही छोटे ट्रैक्टरों के पीछे जो है वो टिपर को लगाने और उनको यूज़ करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये बड़े स्लो और वैंकी किस्म के लगते हैं। मतलब अभी इसको अच्छा खासा टाइम लग गया अपनी टॉप स्पीड पहुँचने पर, पहुंच गया है वैसे जैसे तैसे करके, अभी जो जाहिर है वेट के साथ थोड़ी सी रिडक्शन भी होती है, लेकिन यह है कि पहुंच गया है वो स्पीड के ऊपर अपनी। सो यहाँ पे 50 की इसकी लिमिट है, तो 50 के ऊपर जो है वो पहुंच गया है। अब मुझे नहीं पता ये 50 किलोमीटर्स है या माइल्स है माइल्स हो तो फिर तो ये तकरीबन 80 किलोमीटर बनती है, 80-90 किलोमीटर। ओके सो ये हमारे पास आ गए हैं जी 313, और हमें जो है वो चाहिए तकरीबन 6 खासे पैसे अभी भी हमें चाहिए। सो लेट्स सी, मज़ीद हम क्रॉप्स जो है वो सेल करते हैं। $67,000 हमें अभी भी जो है वो चाहिए, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। सो मैं मैथ मेरा इतना वीक है कि अभी मुझे देखो एक पूरा घंटा लग गया इसको मतलब कैलकुलेट करने में। सो दैट्स हाउ बैड आई एम एट मैथ, और शुरू से मुझे जो है वो मैथ सबसे बुरा सब्जेक्ट लगता है, आई हेट इट। और मुझे समझ नहीं आती कि मैथ्स का मतलब जो हमारे सिलेबस में था उसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे। एनीवेज ये एक अलग डिबेट है। सो अभी हम लोग जो है वो लोड करते हैं ओट्स, मेरे ख्याल से एक ही टिपर भरेगा इससे, जितने हैं उतनी की तकरीबन कैपेसिटी भी है हमारे टिपर की, इसके बाद देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है प्राइस के ऊपर। ओके ओट्स सबसे हाईएस्ट प्राइस मिल रही है जी हमें ग्रेन स्टोरेज के ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम
फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ और इसको ड्राइव करके हुए लेके जाऊँ ग्रेन स्टोरेज के ऊपर। सो लेट्स सी के वहाँ तक जाते जाते कितना प्राइस जो है वो इंक्रीज करता है। सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट के बहुत ज़्यादा 1126 है जी ग्रेन स्टोरेज के ऊपर फिलहाल प्राइस चल रही 1126 1126 डॉलर फ़िलहाल प्राइस चल रही है। वहाँ तक जाते जाते अगर काफ़ी बढ़ गई तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे वहाँ पे, अदरवाइज़ के अभी जो है वो सेल कर देंगे। और क्योंकि रात तो हमने यहाँ पे कर दी नहीं है, अगर थोड़ी सी शाम तक हो जाता है गेम प्ले तो कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन रात नहीं मैं यहाँ पे करना चाहता। वैसे हो भी गई तो इतना इशू नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी। हियर वी गो एंड टाइम टू चेक द प्राइस। ओके जी गाइस, सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक टिपर, अगर ज़्यादा टिपर होते तो मैं वेट कर लेता प्राइस के मज़ीद इंक्रीज़ होने का, बट मैं यहाँ पे ही जो है वो सेल कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता अभी प्राइस मे बी 1300 या इवन 1400 भी टच कर सकती थी, तो लेकिन ये है कि उसका फ़ायदा तो मुझे तभी होता अगर मेरे पास ज़्यादा टिपर्स होते। फ़िलहाल मेरे पास जितने टिपर हैं सो मैं यहाँ पे ही जो है वो एंड कर रहा हूँ। और ये हमारा सेल हुआ है जी ऑलमोस्ट $40,000 का, और इसके बाद हमारे पास प्राइस हो चुकी है जो टोटल मनी रह गई है, पैसे रह गए हैं वो है 252। सो अभी हमें मज़ीद जो है वो $28,000 जो है वो चाहिए, और वो $28,000 कहाँ से आएंगे आई डोंट इवन नो। अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन सी चीज़ रह गई है बेचने के लिए जिसको जो है मैं सेल कर सकता हूँ। सो लेट मी लुक फॉर समथिंग जो कि मैं सेल कर सकता हूँ अभी। और इवन मेरे को तो ये भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने इतनी बड़ी लोडिंग वैगन बेच के ये छोटा सा खटारा ले लिया अपडेट के चक्कर में। सो जो अगली चीज़ मेरे ख्याल से मैं बेच सकता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितनी भी है अभी हमें इस हिसाब से जो है वो काम चलाना पड़ेगा, वो हैं जी सोयाबीन्स। और बहुत ज़्यादा एज आई मेंशन नहीं है, थोड़े से ही हैं, लेकिन ये है कि इतने से ही हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है मिल सकते हैं मेरे ख्याल से। हाफ अ टिपर है और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, सो हो सकता है जितने हमें चाहिए शायद उतने ही निकल आए इसमें से, लेकिन लगता नहीं है, ये तकरीबन हाफ से भी कम है। सो हम काफ़ी क्लोज हो जाएंगे अपने जो टारगेट है हमारा, जितने पैसे हमने अर्न करने हैं उसके। सो लेट्स सी क्या बनता है, कितने पैसे जो है वो हम अर्न कर पाते हैं। नॉट मेंशन कि अभी हमारी हार्वेस्टर जो है वो उसमें, बल्कि वो तो ख़त्म ही हो गया तकरीबन, उसके बाद एक रो रह गई थी, तो उसमें से कितना का निकल सकता था। तो मे बी थोड़ा बहुत हम स्ट्रा जो है वो सेल कर सकते हैं, बट उससे कोई बहुत ज़्यादा पैसे हमें नहीं मिल सकते। वो तो मतलब एक साइड प्लान है कि जब हम ट्रैक्टर बाय कर लेंगे अपनी सारी जमा पूंजी लगा के, तो हमें बाद में कोई सीडर वगैरह या सीड्स या फर्टिलाइज़र परचेस करना पड़ा तो वो हम कहाँ से बाय करेंगे। सो वो पैसे जो है वो वहीं से आएंगे स्ट्रा को सेल करके। सो इतने तो आ ही जाएंगे कि हम लोग जो है वो ईज़िली सीड्स वगैरह या फिर फर्टिलाइज़र वगैरह फिल कर सकें या फार्म सप्लाईज बेसिकली चला सकें। लेट्स सी कितने पैसे हमारे पास होते हैं। और ओ माय गॉड, वी आर शॉर्ट $4,000 हमारे पास कम है अभी भी टू गेट आवर सेल्फ अ न्यू ट्रैक्टर। और $4,000 हमने कहाँ से लेके आने हैं मुझे पता है एग्जैक्टली। सो अभी हम वही काम करने जा रहे हैं जो कि मैं बेसिकली आज के गेम प्ले में करना भी ओरिजिनली यही काम चाहता था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे माइंड में एकदम से आइडिया आया कि नहीं जी हमें जॉन डियर 8R जो है वो बाय करना चाहिए आज के गेम प्ले में, समय उसके ही चक्कर में लग गया। सो मेरा ओरिजिनल प्लान आज के गेम प्ले में स्ट्रा को सेल आउट करना था, लेकिन कोई बात नहीं वो हम अभी कर लेते हैं। सो अगर हाँ तो हमारा लक अच्छा हुआ तो स्ट्रा की प्राइस जो है वो अच्छी चल रही होगी, और अगर बुरा लक हुआ तो फिर बहुत काम खराब होने वाला है। सो पहले तो हम ये उठाते हैं बेल कलेक्टर, और इसके साथ जो हमने बेल्स बनाई हैं, क्योंकि बेल्स की फॉर्म में आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जा सकते हो एकदम से, मे बी स्लाइटली थोड़े बहुत पैसे भी शायद एक्स्ट्रा मिलते हों, आई डोंट नो, मैंने कभी रिसर्च नहीं की इसके ऊपर कि अगर हम बेल्स की फॉर्म में स्ट्रा को सेल करें तो क्या इससे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं या नहीं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट यस लेट्स सी कि कितने पैसे हमें मिलते हैं अभी।
हज़ार दो हज़ार डॉलर अगर मिलते हैं तो फिर तो बहुत ही काम ख़राब होने वाला है। एटलीस्ट 4000 डॉलर्स तो जो है वो मिलने चाहिए, जो हमारा कैश जो है वो शॉर्ट पड़ रहा है। सो मिल जाते हैं, इतने मैंने प्रीवियसली देखे भी हैं, इतने अर्न भी किए हैं। सो लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जो है ना वो स्ट्रा की प्राइस अच्छी चल रही है। लेकिन अगर स्ट्रा की प्राइस जो है वो, और मेरे मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह से स्ट्रा की प्राइस जो है वो उसको चेक कर सकते हैं कि वो कितनी चल रही है। स्ट्रा की प्राइस मेरे ख्याल से यहाँ पे शो ही नहीं होती। यस, स्ट्रा की प्राइस शो नहीं होती यहाँ पे, लेकिन यह है कि आप बेच सकते हैं स्ट्रा भी, हे भी, ग्रास भी, ये सारी चीज़ें। दैट्स अ थिंग। और ये फाइनल बेल है, यहाँ पे एक दो हे की भी बेल पड़ी है, वो भी हम इधर ही उठा लेते हैं। यहाँ पे छुपी पड़ी है, वो बाद में ना वो ट्रैक्टरों के साथ इधर उधर जो है वो लगती फिरती। सो उससे बेहतर है कि हम उनको अभी उठा लेते हैं। ये देखो, ये एक बेल पड़ी हुई है, यही बेल है प्रॉबली। अच्छा वैसे ये ट्रैक्टर को इतना बुरा भी नहीं है, हॉर्स पावर के लिहाज से तकरीबन ठीक ठाक ही है। एटलीस्ट बेल्स ट्रैक्टर को तो अच्छे से जो है वो खींच रहा है, बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता। बेल्स ट्रैक्टर को तो सही से पुल जो है वो कर रहा है, और कहीं पर मुझे ये ट्रैक्टर अंडर पावर जो है वो फील नहीं हो रहा। तो जी ये हो चुका है हमारी स्टैकिंग कंप्लीट, और ये हम पहला अपना जो है वो इस पूरी सीरीज़ में ही हम फर्स्ट टाइम जो है वो सेल करने जा रहे हैं। जो ये इतना बकवास इस गेम में एरर रहना कि अभी ये इसका आर्म सा जो बना हुआ है ये ऊपर नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसको मतलब बटन प्रेस किए जा रहा हूँ लेकिन वो नहीं ओपन हो रहा, ऊपर को उठ ही नहीं रहा। और दूसरा वाला जो है वो तो वैसे ही यहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है आके, बेल सारी उड़ जाती है, पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। लो जी ये हम कर रहे हैं जी सेल हमारी बेल्स। लेट्स सी कितने पैसे मिलते हैं हमें। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ओ 4,270 डॉलर्स, नॉट बैड एट ऑल। यू नो व्हाट डज इट मीन्स। अरे यार नहीं, सॉरी गलत जगह पे ड्राइव कर दिया मैंने। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है यार इसकी। चलो ऐसे ही मान जाओ तो बड़ी बात है। यू नो व्हाट डज इट मीन्स, दैट मीन्स कि हम अब अपना नया ट्रैक्टर बाय कर सकते हैं, और ये हमने जल्दी से कर भी लिया। सो हियर इट इज गाइस, जॉन डेयर 8R। इसको लेना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस मेरे एवं बस जेन में माइंड में एकदम से जो है वो चैलेंज बना कि आज की गेम प्ले में हमने ये लेना ही लेना है। तो फिर वो लेने ही लेने के चक्कर में जो है ना सारा जो है वो काम हो गया। अदरवाइज कोई इतना मुश्किल भी नहीं है इस ट्रैक्टर को बाय करना। बट या इट्स एन अचीवमेंट, एंड मेरे ख्याल से अच्छी खासी जो है वो एक अचीवमेंट है। सो इस अचीवमेंट के साथ ही हम आज का गेम प्ले जो है वो यहाँ पे कर देते हैं जी एंड। और अगले गेम प्ले में हम लोग जो है वो इसको अच्छे से जो है वो यूटिलाइज करेंगे। आप लोगों में से किस किस का ये वाला ट्रैक्टर फेवरेट है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अरे यार ट्रैफिक वालों, 2 मिनट्स कौन से वीडियो भी ना बनाने देना। सो आप में से किस किस का ये वाला ट्रैक्टर फेवरेट है मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। और कौन कौन ये ट्रैक्टर जो है वो लाजमी समझता है कि जब भी फार्मिंग सिमुलेटर 20 खेले तो वो लाजमी समझता है कि ये वाला ट्रैक्टर तो उसके फार्म पे होना चाहिए। तो मेरे साथ शेयर कीजिए अपने थॉट्स जॉन डियर 8R को लेके कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।